जय हिंद, नमस्कार मेरे शेर सैनियों, स्वागत आप सबका अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी पर। दोस्तों आज का वीडियो स्पेशली बहुत ज्यादा डिमांडिंग वीडियो है, क्या सर आर्मी अग्निवीर समाप्त हो जाएगी? और आपने इसके बारे में एक जो नोटिस वायरल रहा वो भी सबने देख लिया है। ये बात तो पक्का है कि आर्मी जो अग्निवीर की जो भर्ती है इसको गवर्नमेंट खुद ही उनकी सबसे विफल योजनाओं में से एक मानती है, इसीलिए पूरे चुनाव दौरान कहीं पे भी उन्होंने अग्निवीर योजना का नाम ही नहीं लिया। नहीं तो अगर गवर्नमेंट कोई भी ऐसी योजना लाती है तो उसका पूरा भांडा फोड़ती है, उसको मतलब बड़ा चढ़ा के उसका ढिंगोरा पीटती रहती है, लेकिन इसका कहीं पे भी नाम नहीं लिया। और अभी जो गठबंधन की सरकार बनी है उसमें भी आपने देखा होगा, जैसे सरकार बनी उसमें सबसे पहले अगर कोई चीज उठ के आई तो वो थी अग्निवीर योजना, कि इसमें कुछ बदलाव होने चाहिए। और इन बदलावों पर मोहर भी लगने वाली है 23 जून को। इसमें क्या क्या बदलाव हो सकते हैं उसका एक नोटिस देखा होगा। क्या सभी के सभी परमानेंट होंगे या इसी में कुछ बदलाव होंगे वो मैं आपको बताता हूं। देखिए पहले कि क्या बदलाव है। जो अभी हाल ही में जो ये नोटिस आपने देखा होगा जिसके अनुसार बदलाव क्या क्या देखें, 25% परमानेंट की जगह 60% को परमानेंट किया जाएगा। यानी जो अग्निपथ योजना है उसके अनुसार कितने लोगों को, 25% लोगों को परमानेंट करने का बोला गया था कि जितने भर्ती होंगे उनमें से 25% परमानेंट होंगे और बाकी क्या कर दिया गया, रिटर्न टू होम कर दिया जाएगा। अब उसमें बदलाव होकर 25 से 60% तक रेशियो जा सकता है। अभी दूसरा है टेक्निकल जो पोस्ट है इसको परमानेंट कर दिया जाएगा, 4 साल की जगह 7 साल की ड्यूटी की जाएगी। यानी कम से कम 4 साल की जो ड्यूटी है उसको बढ़ाकर कितने साल का किया जाएगा, 7 साल का। आफ्टर डेथ फैमिली पेंशन, अभी जो अग्निवीर योजना है इसमें आफ्टर डेथ किसी भी प्रकार की कोई भी पेंशन नहीं है। और आपको पता ही होगा इस पे मैंने एक पहले वीडियो बनाया था, जब पहला अग्निवीर शहीद हुआ था अमृतपाल सिंह उस पे भी, और जब बाद में दूसरा अग्निवीर जो शहीद हुआ था महाराष्ट्र से उस पे भी, कि भाई इन परिवारों का कौन जिम्मेदार होगा। ठीक है, तो उसी के बारे में यह है। ट्रेनिंग जो पीरियड है वो 24 से 42 वीक, जो 24 वीक का है उसको 42 वीक का करेंगे। सैलरी इंक्रीज, यानी अग्निवीर में अब तक क्या था कि जो सैलरी पे लगेगा एक फिक्स अमाउंट था उसमें इंक्रीजमेंट नहीं थे, अब अग्निवीरों की सैलरी इंक्रीज होगी वो 7 साल तक जब तक अपनी नौकरी करेंगे। पोस्ट इंक्रीज, यानी पोस्ट इंक्रीज होगी होगी। 45 दिन का हॉलीडे, अभी प्रेजेंट टाइम में जो अग्निवीर जो ट्रेनिंग करके आ रहे हैं उनको कितने दिन का हॉलीडे है, 30 दिन का छुट्टी है पूरे साल में, इसको बढ़ाकर कितने दिन की जाएगी, 45 दिन की जाएगी भाई। ठीक है, फ्रेश ज्वाइनर नॉट टू कॉल्ड अग्निवीर, यानी जो फ्रेश ज्वाइनर होगा उसको अग्निवीर नहीं कहा जाएगा। अब उसकी जगह क्या कहा जाएगा, देखो अग्निपथ स्कीम चेंज टू सैनिक सम्मान स्कीम, जो अग्निवीर स्कीम है इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है सैनिक सम्मान स्कीम। ठीक है, टोटल पैकेज अब 41 लाख का है। ठीक है, आफ्टर 7 ईयर गारंटेड जॉब प्रोवाइड, यानी 100% जो भी 7 साल की नौकरी कर लेगा अग्निवीर में उसको बाद में गारंटेड जॉब प्रोवाइड, यानी 100% उसको जॉब दिया जाएगा। ठीक है, आज सेंटर वैकेंसी 15% रिलेशन, यानी जब भी सेंटर की जो भी वैकेंसियां होगी चाहे वो एसएससी सीजीएल हो सीपीओ हो कोई भी एनीवन, उन सब में 15% आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, इन केस ऑफ डेथ सोल्डर गेट्स ऑल रेप्यूटेशन ऑफ ए वॉरियर, जो एक शहीद का दर्जा है वो सभी दिया जाएगा अगर कोई भी अग्निवीर शहीद हो जाता है। ये भी इसमें इतने जब चेंजिंग हो जाएंगे तो मुझे नहीं लगता फिर अग्निवीर जैसा कुछ बचेगा, ये परमानेंट आर्मी से भी बेटर है बिल्कुल। अगर ये योजना लागू होती है और ये जो चीजें हैं वो अगर लागू होती है तो 100% ये है कि जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो आर्मी की सर्विस है उसको भी फेल कर देगी। क्यों, 7 साल का पीरियड के बाद में 40% लोग तो ऐसे मिल ही जाएंगे जिनको आगे सीपीओ की तैयारी करनी है या सीएजल की तैयारी करनी है या एसआई की तैयारी करनी है, तो वो बाहर आके उनको 15% का आरक्षण मिल जाएगा। सम्मान राशि भी 41 लाख का टोटल पैकेज हो गया, ये भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और अगर कोई वॉरियर है जैसे शहीद हो जाता है तो उसको पूरे दर्जे दिए जाएंगे शहीद के, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कमी रह गई है। अग्निपथ और सैनिक सम्मान में देखो क्या क्या चेंज है, 4 साल की जगह 7 साल, 22 लाख की जगह 41 लाख, 50 लाख की जगह जो आप फिर 50 लाख थे उसको 75 लाख कर दिया जाएगा, 2 साल का वेकेंसी वो सेम, 10% इलेक्शन की जगह 15%, 24 वीक की ट्रेनिंग की जगह 42 वीक, और 30 दिन की छुट्टी की जगह 45 दिन की छुट्टी। अगर ये योजना इस प्रकार से लागू होती है तो ये सबसे बेस्ट है हमारे देश के लिए भी और अग्निवीर जो आर्मी है हमारे देश की उसके लिए भी, फिर इसमें कोई कमी नहीं है।
ठीक है, इसका कोई विरोध नहीं करेगा, सब पलके झुका के इसका मतलब स्वागत करेंगे भाई। इस पर इस प्रकार से ये लागू हो जाती है, लागू तो जरूर होगी, इसमें चेंज भी जरूर होगा। मैं आपको बताऊं 23 जून को इसका अनाउंसमेंट होगा और उस दिन हमारी नजर बनी रहेगी, देखिए क्या क्या इसमें राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री है वो इसका अनाउंसमेंट करने वाले हैं। ठीक है, बदलाव संभव है, 100% बदलाव हो गए होगा, इसलिए आप अपनी तैयारी कर लीजिए, कमर कस लीजिए और बढ़िया से तैयारी में लग जाइए भाई। जय हिंद, जय भारत।